फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पास्टर त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपने डीएनसी कराई है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज कराई है, तो उसके बाद आपको इंटरकोर्स सेक्स फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं, टीम आपको आगे गाइड करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएनसी के बाद इंटरकोर्स कब कर सकते हैं, सेक्स कब कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। देखिए, जो डीएनसी का प्रोसीजर है, सबसे पहली बात तो ये जो प्रोसीजर है इटसेल्फ में एक बहुत टेंशन वाला प्रोसीजर है, फीमेल्स को बहुत टेंशन हुई रहती है इसको रिलेटेड। तो पहले अपने पार्टनर को फिजिकली और मेंटली नॉर्मल होने दीजिए कि वो एक्चुअली रेडी हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए या नहीं। तो डीएनसी के बाद आप फिजिकल कब हो सकते हैं ये आपके पार्टनर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसके अग्री होने पर बहुत डिपेंड करता है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो देखिए, जो डीएनसी है उसके बाद जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाता है। अगर आप बहुत जल्दी इंटरकोर्स करते हैं, विद इन 1-2 डेज आप इंटरकोर्स करते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। शुरू में कई बार 7 दिन तक ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, तो उस टाइम पर भी अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो महिला को ब्लीडिंग एक्सेसिव भी हो सकती है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ट्राई कीजिए कि आप अवॉइड करें। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि कब कर सकते हैं, तो मिनिमम 2 वीक्स का गैप आपको ज़रूर देना चाहिए, 2 हफ्ते के बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, पर बहुत सारी महिलाएं उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं होती हैं। और अगर आप एडवाइस चाहें तो मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पर भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, आपको एक पीरियड साइकिल नॉर्मल आने देनी चाहिए, क्योंकि कई बार डीएनसी के बाद प्रेगनेंसी दोबारा ठहर जाती है। उस टाइम पे अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या आपको पता नहीं चला है और बाई चांस आपकी प्रेगनेंसी दोबारा रुक गई है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगी कि आपका ये पीरियड क्यों नहीं आया। जो पीरियड डीएनसी के बाद आना चाहिए ये था, वो समझ नहीं पाएंगी कि ऐसा तो नहीं है कि डीएनसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई इसलिए पीरियड नहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि जो पहले वाला टिश्यू है वो क्लीन नहीं हुआ था, या ऐसा तो नहीं है कि न्यू प्रेगनेंसी ठहर गई। और डीएनसी के बाद एक नॉर्मल पीरियड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि अंदर का जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग सही तरह से दोबारा से बनने लग गई है, एंडोमेट्रियम अपने हील हो गई है, सही तरह से हीलिंग हो गई है, रिकवर हो गई है बॉडी, और अब जो है आराम से नॉर्मल साइकिल चलनी शुरू हो गई है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट पीरियड नॉर्मल तरह से आ जाए। तो एडवाइस ये है कि अगर आपको इंटरकोर्स करना ही है तो आपको 15 डेज का गैप जरूर लेना है डीएनसी के बाद, बट अगर आप चाहें तो आप 1 मंथ का पूरा अपना गैप रहने दे सकते हैं और एक बार एक नेचुरल पीरियड आने दे सकते हैं और उसके बाद से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। कई बार जो डीएनसी है वो क्योंकि मिसकैरेज के बाद होती है, बच्चा अबॉर्शन कराया जाता है या उसके बाद होती है, कई बार फीमेल्स उसके लिए विलिंग नहीं होती हैं, अनइंटेंशनली उनसे कराया जाता है, फोर्सफुली कराया जाता है, तो बहुत बार जो फिजिकल ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से भी फीमेल्स रेडी नहीं होती हैं। तो गिव योर पार्टनर सम स्पेस, अपने पार्टनर की विलिंग के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको 15 डेज बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाना है, अदरवाइज इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आई होप इस वीडियो में जो क्वेरी थी वो मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कई बार कमेंट्स के रिप्लाई लेट हो जाते हैं बट मैं ट्राई करती हूँ सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। डेली 400-500 कमेंट्स आते हैं और कई बार इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ। सो आई होप इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू so much.